take your wage, multi busy rent. क्या तेरा मेरा दिल एक चैनल पे रेडियो के एक चैनल पे अच्छा गाना नहीं लग रहा है. मैंने सारे चैनल चेंज कर दिए. मैं उसी चैनल को प्रेफर करूंगा जहां पे अच्छा सॉन्ग चल रहा है. दिस इज हाउ कस्टमर इज. कस्टमर्स आर फ्लर्ट. दे कीप फ्लर्टिंग द ब्रांड्स. दे कीप फ्लर्टिंग द प्रोडक्ट्स. दे कीप फ्लर्टिंग द सर्विसेस. कस्टमर की जात ऐसी होती है ना. मैं एक कस्टमर हूं, आप भी एक कस्टमर हो. हम बहुत ही कम ब्रांड्स के साथ लॉयल होते हैं, है ना. जैसे मैं हूं लॉयल एप्पल के साथ. एप्पल का मैक, एप्पल वॉच, एप्पल पॉड्स. और हाँ, अभी तो बस इतना ही है. बट आई एम प्लानिंग टू गेट इनटू एप्पल का आईपैड बिकॉज आई एम लॉयल कस्टमर टू एप्पल. बट फिर भी कुछ भरोसा नहीं है. कल अगर मुझे एप्पल से बेटर ब्रांड मिल जाए तो मैं स्विच करूंगा. सो देर इज नो लीगल एग्रीमेंट. देर इज नो कमिटमेंट टू एनी ब्रांड. कस्टमर्स का कोई कमिटमेंट नहीं है कोई ब्रांड्स को लेके. कस्टमर्स उसी चीज को प्रेफर करते हैं जिन जो चीज उनको सबसे ज्यादा बेटर क्वालिटी एट बेटर रेट एट अ लॉट ऑफ वैल्यू जो कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करती है. वही ब्रांड्स और वही कंपनीज को कस्टमर प्रेफर करते हैं. और ये कितने पीरियड तक रहता है इसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कस्टमर्स के मूड स्विंग्स बहुत डेंजरस होते हैं. वो बोलते हैं ना, मेरे मन में आया और मैं कुत्ता काट के खाया. वैसा है कस्टमर का कि कस्टमर ने कोई ऐड देख ली टीवी पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे और उस कस्टमर को लगा कि चलो अभी ये ट्राई करके देखते हैं. बहुत दिनों से मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड से बोर हो गया हूं. तो कस्टमर इमीडिएटली स्विच कर देगा. दैट्स हाउ कस्टमर इज फ्लर्ट इन नेचर. किसी का सगा नहीं, किसी का लॉयल नहीं, कोई गारंटी नहीं कि वो इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या इसी पर्टिकुलर सर्विस को टिका रहेगा. तो आप अगर बिजनेस में हो, आप अगर एंटरप्रेन्योर हो, आप अगर मार्केटिंग में हो, तो ये बात तो जहन में डाल दो कि आज जो कस्टमर आपके पास है कल वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है. उसको न जाने के लिए, उसको रोकने के लिए आपकी तरह से पूरी कोशिश करो. आप पूरा ट्राई करो. वो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तक आपके साथ कमिटेड रह सकता है लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं. सो दैट्स हाउ कॉम्पिटिशन इज. दैट्स हाउ ब्रांड्स आर. दैट्स हाउ कस्टमर्स आर. यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी एंड यू हैव टू कीप इनोवेटिंग. यू हैव टू कीप अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कस्टमर दैट इज फ्लर्टिंग नेचर. You have to understand and accept the nature of customers' needs, which keep on changing, which keeps on evolving. You need to understand the customers' wants, which keep on changing again. You need to understand the customer persona. और ये constantly आपको करना है. This research has to be a constant work because ultimately it's all about customers. Stay tuned. Watch my videos. If you like it, share. If you want to suggest something, please add the comments. Stay tuned. If you need any help, check the details with this video. Stay connected. This is Vikrant.